वहीं रुद्रपुर में 26 घंटे से आयकर विभाग की टीम डेरा जमाए हुए है। ऐसे में व्यापारियों ने आयकर विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दुकानें बंद रखने का आह्वान किया था, जिसका असर भी देखने को मिला है। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और आयकर विभाग पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जुलूस निकाला। साथ ही रुद्रपुर व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदर्शन कर नाराजगी भी जताई। साथ ही पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने गल्ला मंडी में नारंग फर्नीचर मार्ट के स्वामी पुल गुलशन नारंग से मुलाकात की। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। देखिए, व्यापारियों का जो हरिशमेंट हो रहा है लगातार, उसके खिलाफ व्यापारियों ने निर्णय लिया, क्योंकि पहले तो लग रहा था इनकम टैक्स जो अधिकारी लोग हैं, ये हमें भी लग रहा था हम इनका सहयोग करना चाहिए, हमें भी कहा कोई बात नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे लगा कि समय गुजर गया, अब जब सारी कार्रवाई हो गई है, कार्रवाई होने के बावजूद भी अब कल शाम को 4-5 कार्रवाई खत्म होगी, उसके बावजूद भी अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर भी हमारे नारंग साहब को बैठा रखा, नारंग साहब को डाक में बंदे बना के रखा सारे। ये सिर्फ 580 रुपये बरामद हुए नारंग साहब के गले में, सिर्फ 580 रुपये बरामद हुए। मेरा कहना ये कि आज की डेट में इतना बड़ा कारोबार, हम लोग सब लोग कारोबार करते हैं, कारोबार क्या 580 रुपये में इनकम टैक्स आ जाएगा क्या? ये बहुत बड़ा हास्यप्रद विषय है। ये अपने आप में इस कारण से व्यापारियों में आक्रोश है। मैं कल भी व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पर जो है डेढ़ घंटा यहाँ पर रहा हूँ, उनके जो पिताजी उनके परिवार के लोगों के साथ कल भी सारा दिन रहा हूँ और आज भी मैं पूरी तरीके से यहाँ पर हूँ। और मैं आश्वस्त करता हूँ किसी प्रकार का उत्पीड़न मैंने अधिकारियों को कर दिया, किसी प्रकार के उत्पीड़न की या अनावश्यक तनाव की कोई शिकायत ना आ जाए, ये मेरे स्पष्ट निर्देश दिए हैं। और जितनी मेरी अभी गुलशन नारंग से बात हुई है, इस प्रकार का अभी कोई विषय मेरे संज्ञान में भी नहीं आया। उनका कहना है कि वो कार्रवाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के उत्पीड़न का कोई विषय अभी तक निकल के तो नहीं आया। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, यहाँ के साथ है और अगर किसी भी प्रकार की इस तरीके की कोई भी जानकारी आएगी तो उसका कठोर विरोध किया जाएगा। मैं स्पष्ट